स्पेस में पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट क्या था? तो तुम कहोगे स्पूतनिक। तो इस वीडियो को पहले ध्यान से देख लेना। 1950s में ऑपरेशन प्लम्बॉम नाम से यूएस गवर्नमेंट न्यूक्लियर टेस्ट कर रही थी। ब्लास्ट के बाद वाली जगह के ऊपर वाला ढक्कन जो है वो उन लोगों को कहीं नहीं मिल रहा था। वीडियो को जब स्लो करके देखा गया तो ये ढक्कन जो है उन्हें ऊपर की ओर जाते हुए दिखा। तो ये कैलकुलेशन लगाया गया कि ये अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से 6 गुना ज्यादा की स्पीड से ये ऊपर की ओर गया था। तो क्योंकि ये कहीं मिला ही नहीं तो ये मान लिया गया कि वो स्पेस में पहुंच गया। तो तुम लोगों का क्या सोचना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।